लास्ट 10 to 15 डेज के अंदर अंदर मैं कम से कम 2 कोविड पॉजिटिव लोगों से मिली हूँ। जो ये आदमी खाना बनाने से ज्यादा तैयारी करने में टाइम लगाता है। टॉप शोल्डर देखिए आप ऊपर नहीं आता है। लिक्विड लिप कलर एंड आई एम इन द शेड 15। चाइनीज फॉर्म में से आप सी हटा दो। वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ माई चैनल। और ये बहुत ही रैंडम सा व्लॉग है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज व्लॉग स्टार्ट करूंगी, बट स्टिल मैंने व्लॉग कर दिया है। मतलब कल मैंने सोचा था कल व्लॉग करूंगी, बट अभी मेरा मन हो गया व्लॉग करने का, तो आई एम जस्ट व्लॉगिंग राइट नाउ। और अभी क्या हो रहा है, अभी ये वीडियो आपको दिख रहा है, वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है एंड किचन में भी कुछ कुछ हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सीरियस क्या बना रहे हो? तो ये सैंडविच बना रहा है। ये सब्जी आज सुबह हम लोगों ने बनाई थी, तो मैंने गोभी और आलू, आपको दिखेगा नहीं कि गोभी का है, आलू का है, प्याज का है, मैंने ऐसी बनाई है, मतलब बहुत ज़्यादा गला करके हलवा टाइप से, ताकि वो एज ए पेस्ट हम लोग यूज़ कर सकें और सब्जी के साथ भी अच्छी लगती है। पराठे में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको, गोभी के पराठे बना सकते हैं। एंड ये सैंडविच बन रहा है, वो लगाया ना आपने तीखा वाला। और उसके बाद ये हम लोगों का सामान आया है डीमार्ट से, तो हम लोग डीमार्ट गए थे, बट हम बहुत सुबह गए थे, लाइक हम 8 बजे गए थे, तो हमको डीमार्ट पूरा खाली मिला था, सिर्फ स्टाफ था वहाँ का और हम लोग थे वहाँ पर, और एक दो और गिने चुने लोग होंगे। तो डीमार्ट 5 बजे से खुल जाता है, तो हम लोग बहुत सुबह गए थे और वहाँ से जा करके हमने हैंड पिक किया, ग्लव्स एंड मास्क पहन के गए थे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ, तो रश वगैरह नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साइड में मोर है उसमें अवेलेबल नहीं थी। डीमार्ट में सब कुछ अवेलेबल रहता है, तो इसलिए हम लोग डीमार्ट गए थे एंड वैसा। और उसके बाद आज मैंने नायका से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, ये नायका का डब्बा, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या आया है। तो एक तो मैंने ये 2 नेल पेंट्स मंगवाई हैं कलर बार की, एक तो इसका नाम है ग्रे सैटिन, जो कि मैं अभी लगाई हुई हूँ, नहीं ग्रे सैटिन नहीं लगाई हूँ मैं, ये लगाई हूँ, इसका नाम है ब्लू ड्यू। तो ये ग्रेइश एंड ब्लूइश टाइप का शेड है, जो कि बड़ा प्यारा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के शेड्स लगाना, और हाथों पे भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं ये लगाई हूँ। उसके बाद एक मैंने लिपस्टिक मंगवाई है लैक्मे फॉरएवर मैट की, लिक्विड लिप कलर एंड आई एम इन द शेड 15। तो काफ़ी अच्छा सा न्यूड शेड है, मेरे न्यूड कलर्स ख़त्म हो गए हैं, मेरी लिपस्टिक्स पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी लिपस्टिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। और एक मैंने नायका का मंगवाया है हनी वू करके लिप, वो है लिप बाम है, बस ये चीज़ें हैं। और नायका की मैंने मंगवाई है नेल पेंट रिमूवर, दैट्स इट, ये इतना ही मैंने मंगवाया है। तो जरूर एक टाइम था जब मैं नायका से बहुत शॉपिंग करती थी, मतलब मेरा आए दिन मेकअप के प्रोडक्ट्स आते थे, नया कुछ लॉन्च हो गया तो कंसीलर आ रहा है, नया ये आ रहा है, नया ढिमकाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, बट अभी मेरे को इंटरेस्ट नहीं, अभी सिर्फ जो जेन्युइनली मेरी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तब मैं नायका से मंगवाती हूँ, वो भी बहुत सोचने के बाद कि कार्ड में पड़ा रहता है, फिर जब मुझे लगता है नहीं नहीं अब तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तब फिर वो चीज़ें आती हैं, तो वैसा। एंड एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि अभी मुझे एक्चुअली शूट करने के लिए बैठना है, तो मैंने अभी कुछ दिनों से क्या स्टार्ट किया है, मतलब 2-3 दिन से ही स्टार्ट किया है, कुछ दिन बोल रही हूँ, तो 2-3 दिनों से मैंने क्या स्टार्ट किया है, मैंने ऐसे पूरा टू डू लिस्ट लिखना स्टार्ट करी, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। इस तरह से मैंने टू डू लिस्ट लिखना चालू करी है, तो उसमें मैंने क्या क्या लिखा है, मेरे जो टॉप 4 गोल्स हैं, जैसे एडिट ये 2 व्लॉग्स मुझे एडिट करना है, देन शूट करना है और फाइनलाइज पिक्चर्स करना है किसी चीज़ के लिए, एंड देन फिर ये टू डू लिस्ट है कुकिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, फिर डस्टिंग, टीवी यूनिट, उसके बाद क्लोथ फोल्डिंग, हेयर वॉश, सॉन्ग एडिशन, प्लस फाइनल एडिटिंग ऑफ व्लॉग, एडिट सैटरडे संडे व्लॉग शूट, ये देन उसके बाद फाइनलाइज पिक्चर्स, ऐसे करके। और फिर यहाँ पर मैंने अगेन टाइमिंग्स लिखा हुआ है कि 11 से 12:30 तक मुझे कुकिंग करना है, 12:30 से 12:40 मुझे डस्टिंग करना है, देन 1 to 1:50 मुझे टॉयलेट क्लीनिंग करना है, 1:15 to 1:40 मुझे हेयर वॉश करना है, 45 to 55 मुझे लंच करना है, एंड ऐसे करके मैंने अपना पूरा रूटीन बनाया हुआ है। तो ऐसे करके मैंने अपना पूरा रूटीन बनाया है टू गेट बैक इनटू द रूटीन, क्योंकि बहुत रूटीन ख़राब हो चुका है। तो अभी तक मेरा पूरा प्रॉपर चल रहा है, मतलब मैंने टॉयलेट क्लीनिंग कर ली, हेयर वॉश कर लिया, जो जो भी मैंने लिखा था वो सब मेरा हो गया है। बस मेरा गड़बड़ ये हुआ है कि जो ब्लॉग था मैंने 3 to 4:45 एडिट
सैटरडे संडे व्लॉग जो लिखा हुआ है वो मेरा लेट हो गया है. अभी मेरा व्लॉग पोस्ट मतलब ख़त्म हुआ है तो इट्स ऑलरेडी 6:30 नाउ और मैंने जो शूटिंग लिखा था वो 5:30 to 6:30 लिखा था. तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये करी है क्योंकि मुझे पता था कि मैं आज लंबा खींचूंगी, मेरा काम आज लंबा चलने वाला है. तो मैंने रोटियाँ सुबह ही बना के रख ली है तो मेरे पास रोटी बनी हुई है, सब्जी रखी हुई है, तो मेरे को अभी खाना बनाने का कोई टेंशन नहीं है. तो ये जो 7 से 8 का टाइम है उसको मैं ये शूटिंग में इंक्लूड कर दूंगी. तो अभी मुझे मैं एक और चीज़ इसमें नोट करना भूल गई कि शूटिंग करने से पहले मुझे आधा घंटा मतलब आधा से 45 मिनट्स मुझे रेडी होने में लगता है, वो टाइम मैंने लिखा ही नहीं है. तो ठीक है, ये मेरा अभी नया मतलब मैं ऐसे शेड्यूल बना रही हूँ बट इस शेड्यूल को बनाने में मुझे मज़ा आ रहा है और वो करने में भी मुझे मज़ा आ रहा है. टाइम पे चीज़ें हो रही हैं, अदरवाइज मैं बहुत रात रात तक एडिटिंग करते बैठती रहती हूँ. अभी मेरा मतलब मेन काम हो गया है, अभी सिर्फ छोटा मोटा काम है जो कि मैं कभी भी कर सकती हूँ. सो आई एम एंजॉइंग दिस. तो आप लोग भी ऐसा करिए, आप ऐसा कर सकते हो, मतलब इट्स गुड. मतलब अगर आप अपना शेड्यूल में आना चाहते हो या आप अपने बैक टू रूटीन में आना चाहते हो. मेरा रूटीन पहले बहुत अच्छा था बट अभी सब आड़म ताड़म हो चुका है. शूट करने के बाद मैं योगा भी करूंगी, उसके बाद मैं शाम लेने के लिए जाऊंगी. तो मतलब अब मेरा एडिटिंग वाला कोई काम नहीं है, मैं आराम से अपना खाऊंगी पीऊंगी. सो अभी मुझे रेडी होना है एंड लुक एट माय आईब्रोज, दिस ये दिख रहा है ऊपर से एंड ये दिख रहा है ऊपर से कितना खतरनाक हो रहा है. तो इससे मुझे टाइम लगेगा जब मैं अपर लिप्स भी करना है. तो ये मैं कल के टू डू लिस्ट में डालूंगी. अभी एक्चुअली हमारा जो इवनिंग स्नैक है वो रेडी हो चुका है और पहले मैं वो खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. ये देखिए तैयारी किस तरह से हो रही है, किस तरह से, आई मीन व्हाई, किसके लिए कर रहे हो इतनी तैयारी? ये आदमी खाना बनाने से ज्यादा तैयारी करने में टाइम लगाता है और ये औरत खाना खाने से ज्यादा खाने की फोटो खींचने में टाइम लगाती है. वे 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 वे. I'm just sitting here and waiting for my evening snacks to come. लेके आओ. आइए आइए आइए, लाइए लाइए लाइए. देखो बाकी चीजों का भरोसा नहीं लेकिन ये अच्छा बना, बहुत टेस्टी है. सागर कैरी का सैंडविच किस किसने खाया है भोपाल में? हल्का हल्का सा टेस्ट वैसे ही आ रहा है. तो अभी मैं फटाक से एकदम जो बेसिक सा मेकअप होता है वही करने वाली हूँ. तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये बॉडी शॉप का बीबी क्रीम, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और इमेजिन अभी तक चल रहा है. ज़्यादा लगाती नहीं हूँ मैं इसको तो क्योंकि मैं मेकअप कर रही हूँ. तो मेकअप करते करते आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करती हूँ. मेरी एक फ्रेंड है जो यहाँ मुंबई में रहती है, काफ़ी सारी बार मैंने उसको ब्लॉग्स में भी लिया है. मेरी दो फ्रेंड्स हैं मुंबई वाली, वो दोनों बैंक में हैं. तो मेरी अभी बात हो रही थी उससे संडे को, तो मुझे बता रही थी उसके ऑफिस का सब सिनारियो कि बैंक्स में क्या कंडीशन है. तो क्या हुआ था, अभी सब बैंक वगैरह ओपन हो चुके हैं, बीच में सब बंद हो गए थे. मतलब सिर्फ सीनियर स्टाफ को ही बुलाया जा रहा था, मतलब सब लोग नहीं जा रहे थे उस टाइम पे. तो वो मुझे बता रही थी कि उसकी जो बैंक है, उसकी जो कंपनी है जिस बैंक में वो है, तो उसकी टीम में कुछ और एम्प्लॉयज़ भी हो गए साथ में, तो वो लोग आ ही नहीं रहे. मतलब वो अपने घर गए हुए थे एंड वो लोग अभी तक नहीं आए हैं. और ये उनसे बात करती होगी, मतलब उसकी अच्छी बॉन्डिंग है उन लोगों से. तो इसने पूछा एक दिन ऐसी पर्सनल कॉल करके कि कब आ रहे हो भाई, क्यों नहीं आ रहे हो एंड ऑल दैट. तो वो उसको बोलते हैं, मतलब मेल स्टाफ है वो इसको बोलते हैं कि अरे हमारे कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और हमारी फैमिली वाले लोग हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं एंड ऑल दैट. बहुत मैं उसका नाम नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं बैंक की बात कर रही हूँ, तो भाई उसके कभी बैंक वालों ने देख लिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसे करके इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ. अदरवाइज आप लोगों ने उसको मेरे ब्लॉग्स में देखा हुआ है, ठीक है. तो वो मुझे बहुत गुस्सा करके बता रही थी कि और मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया जैसे उसने ये वर्ड्स बोला कि भाई हमारे मतलब फैमिली नहीं है क्या, हम फैमिली वाले नहीं है क्या. तो मतलब बहुत सारे जगह पे अभी ये इश्यूज आना स्टार्ट हो रहे हैं कि जूनियर लेवल तो छोड़ो, अभी जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज हैं वो लोग भी अपने जगहों से वापस नहीं आ रहे हैं. हम लोगों को इसी के साथ जीना है, ठीक है, ये चलेगा लंबा. और फ्रेंड बोल लो या हमारे पहचान की है, वो इंदौर में रहती है, तो उसकी ना यही कंपनी है, शेयर मार्केट वगैरह का उसमें है वो. तो उससे भी हम लोगों की कल रात में बात हुई थी विक्की और मेरी, तो वो भी यही सिनेरियो बता रही थी कि इंदौर की उसकी जो कंपनी है उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करने को रेडी ही नहीं है, ना ही वो आने को रेडी है और ना ही काम करने को रेडी है. तो उसको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है. अब आप सिर्फ ये इमेजिन करो कि कोई डॉक्टर आपके घर पे, भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए या उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए
और आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और वो डॉक्टर आपको ये बोल दे कि कोरोना चल रहा है भाई हम तो काम पे नहीं आने वाले, तो आपको कैसा लगेगा? गलत चीज़ है ये। तो अगर आप लोगों के ऐसा कुछ है या आप किसी को ऐसे किसी को जानते हो या आपके घर में ऐसा कुछ है तो उनको समझाओ और उनको बोलो कि भाई आप काम पे जाओ, काम पे जाना चाहिए अभी तो, मतलब दिस इज़ द टाइम टू सर्व द नेशन। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं मिलिट्री, सोचो ना यही सब अगर डॉक्टर्स और उसके बाद जो मिलिट्री में है जो आर्मी में है वो फोर्सेज अगर बोलना स्टार्ट कर दे, लास्ट 10-15 डेज के अंदर अंदर मैं कम से कम 2 कोविड पॉजिटिव लोगों से मिली हूँ जो ठीक हो चुके हैं। एंड लिटरली उन लोगों ने मुझे इतनी पॉजिटिविटी भर दी है कि अभी मुझे इतना जो डर था ना, जो मेरे को बहुत पैनिक होता था, वो सब मेरे को होना ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। सो आई एम ऑल रेडी नाउ और मैंने बहुत सिंपल सा न्यूट्रल सा मेकअप किया हुआ है, यू कैन सी दिस। और मैंने मस्कारा नहीं लगाया, एक सेकेंड मस्कारा लगाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो मेरा भी एक वीडियो शूट हो गया है और दूसरा वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, बट ये आर्मी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाय गाइस, सो माय सेकंड शूट इज ऑलमोस्ट डन और मेरा ना पूरे बाल ऐसे चिपक चुके हैं, गीले हो गए नीचे के, तो जो आप वीडियो में हंसता हुआ चेहरा देखते हो उसके पीछे पूरा स्वेटिंग जो होती है वो टपक रही होती है, क्योंकि फ़ैन नहीं चला के बैठी हुई हूँ मैं, और फ़ैन नहीं चला के बैठना इज़ लाइक अपने में ही एक। और ये जो ऑफ शोल्डर है, आप सोच रहे होगे कि मेरा ऑफ शोल्डर देखिए आप ऊपर नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर वो पिनअप करके जो नहीं होता है रबर बैंड होती है वो लगाती हूँ, वो वाला फंडा करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो ऑफ शोल्डर होता है आप ऐसे भी हाथ कर लो, आपका ऑफ शोल्डर ऑन पॉइंट रहने वाला है, मतलब स्टिक रहने वाला है, ऐसे ऊपर नहीं आता बार बार। तो हमारा जो लास्ट पार्ट था आज का टास्क वो भी हो चुका है, आज का भी मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया है, तो मैं फटाक से चेंज करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपने अवतार पे एंड मेकअप रिमूव करने के लिए मैं ये वाओ का मिसेलर वाटर यूज़ करती हूँ। एक्चुअली ये मुझे भेजा था हम लोगों ने इसलिए मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं पहले बेबी ऑयल यूज़ करती थी, अभी भेज दिया है तो ख़त्म करने के लिए यूज़ कर ही रही हूँ। एंड देखो मैंने ये दिखा है आपको, लाइनर जो है वो फैला भी लिया है। फेस है वो मेकअप से क्लीन हो चुका है, अब प्रॉपरली फेस वॉश करती हूँ। हे गाइस, तो अब मैं डायरेक्टली जा रही हूँ शार लेने के लिए एंड उसके बाद आकर के डिनर करूँगी, एंड अब मेरी हिम्मत नहीं है ब्लॉग कंटिन्यू करने की, तो मैं आज का जो ब्लॉग है वो कल कंटिन्यू करूँगी। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्टली कल सुबह, तो गुड नाइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सो करके उठी हूँ, मतलब मैं अच्छा खासा लेट सो के उठी हूँ। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि कल मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, क्योंकि मतलब अभी क्या होता था, अभी मैं बिल्कुल लेज़ी दिन में भी समटाइम्स आधा घंटे की नींद मार लेती थी, बट अभी कल परसों मतलब मैंने जब से ये प्लानिंग वाला काम किया है तो मैं ज़्यादा काम कर रही थी, मैं थक गई थी तो मैं आराम से सोई हूँ। तो पहले हम लोग मतलब पूरा जो दिन भर का जो स्केड्यूल है, क्योंकि मेरा वो भी उठपड़ा हो चुका था, मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, वो लाइन पर लेकर के आती हूँ, उसके बाद फिर स्लीपिंग पैटर्न जो है वो लाइन पर लेकर के आऊँगी। तो सबसे पहले आज फिर से हम लोग ये मनाएंगे कि आज मुझे क्या क्या काम करना है। ये है मेरा आज का प्लानर जिसमें मुझे क्या क्या करना है। एक तो मुझे सबसे पहले करना है एडिट थम, टू डू लिस्ट पे आते हैं पहले, तो जो टू डू लिस्ट है वो है वाटर प्लांट्स, उसके बाद चेंज इंडोर प्लांट्स, जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं उसको मुझे चेंज करना है, बाहर रखना है एक हफ्ता क्योंकि हो चुका है। फिर कंसोल टेबल जो है उसको डस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद कुकिंग आ गया, दैन थंबनेल एडिट फॉर व्लॉग एंड फाइनलाइज पिक फॉर समथिंग जो मैं बना रही हूँ, फिर मेक वीडियो फॉर एसटी जो मुझे बनाना है, शूट करना है मतलब, एंड जो व्लॉग शूट अभी चल रहा है वो तो चल ही रहा है। फिर क्लोथ्स को ड्राई करना है, मशीन में कपड़े धुल चुके हैं उनको मुझे ड्राई करना है, क्लोथ्स फोल्डिंग मुझे करना है, फिर मुझे कुछ चीज़ के लिए प्रिंट आउट निकलवाना है तो उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा, फिर मुझे जो ग्रोसरीज रखी हुई हैं ये नीचे रखी हुई हैं काफ़ी दिन से, इनको सबको सैनिटाइज़ करना है एंड सॉर्ट ऑल ग्रोसरीज। तो ये मेरा आज का मेन टास्क है। और अब आते हैं इनके टाइमिंग्स के ऊपर, तो अभी क्योंकि टाइम मैं लेट होकर के उठी हूँ तो 10 से 10:30 तक मुझे ब्रेकफास्ट कर लेना है, देन 10:30 टू 10:45 मैं वाटर प्लांट्स करूँगी, देन 10:45 टू 11 मुझे डस्टिंग करनी है, 11 से 11:15 तक मैं थंबनेल एडिट करके व्लॉग अपलोड करूँगी, देन 11:15 टू 12:15 मेरा कुकिंग हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा कुकिंग नहीं करना है आज, देन 12:30 पे मुझे व्लॉग को अपलोड करना है, देन 12:45 पे मैं शार लेने जाऊँगी, 1 बजे आई टेक लंच, अभी 1:15 पे मैं एक बैठ जाऊँगी मैं काम के लिए अपना पिक फाइनलाइज वगैरह करना,
देन 2:30 पे मैंने ये टाइम का गैप इसलिए रखा है क्योंकि मुझे रेडी होने में टाइम लगता है शूट करने के लिए. तो 2:30 पे मैं यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए बैठूंगी एंड 3:30 पे मैं क्लोथ्स ड्राई वगैरह, जब मेरा वीडियो का काम हो जाएगा तब मैं क्लोथ्स ड्राई फोल्डिंग ये सब करूँगी. देन 4 बजे मैं अराउंड प्रिंट आउट वगैरह के लिए जाऊँगी. देन 5 बजे ग्रोसरी को सैनिटाइज करूँगी. 7 से 7:30 योगा करूँगी. 8 बजे डिनर करूँगी. अभी इसके आगे ख़त्म हो गया है तो मैंने इतना ही काम लिखा है, ये बहुत है. इसमें जो मेरे टॉप 4 प्लान्स हैं वो ये है, थंबनेल एडिट करके व्लॉग अपलोड करना, फाइनलाइज पिक्स करनी है, देन शूट रिव्यू वीडियो एंड शूट जो व्लॉग जो भी चल रहा है. तो ये वाला पार्ट अभी हो रहा है, ये मैं करूँगी. मतलब ये 4 इंपॉर्टेंट टास्क है जो मुझे करने हैं. देन कमिंग टू इंपॉर्टेंट कॉल्स एंड ईमेल्स, तो मुझे ईमेल सेंड करना है, इनवॉइस सेंड करनी है, देन फॉलो अप फॉर माय पेमेंट, जो मैंने ब्रांड की वीडियोस करे हैं दोस्त के लिए मुझे पेमेंट का फॉलो अप करना है. देन मुझे अनन्या को कॉल करना है, कल हमारी बात हुई थी तो उसके लिए भी मुझे मतलब टाइम निकालना है ऐसा. फिर एक्सरसाइज में मैं इवनिंग 7 to 7:30 प्राणायाम करने वाली हूँ, दैट शेड यही आज मेरी एक्सरसाइज होने वाली है. ये जो मैंने प्लानर और ये जो शेड्यूल बनाया है इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको करना ही करना है. मतलब इसके आगे पीछे होता है, दैट्स वेरी ऑब्वियस. जैसे कोई शूट व्लॉग करना है, टाइम लग गया, 2 घंटे लग गए एक की जगह, तो जो कि कल मेरे साथ हुआ था, मैं व्लॉग एडिट करने बैठी थी, मैंने 1 घंटे का टाइम लिया था बट वो 2 घंटे एक्सटेंड हो गया था. तो वो चलता है वो, लेकिन मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए थे रात तक, मैंने कोशिश ये किया था. तो आज भी मैं ये ट्राई करूँगी. तो इससे बनाने से आपका फ़ायदा क्या होता है ना, जैसे भी मैं लिखते लिखते भी एक टास्क भूल गई थी कि अरे मुझे कुछ सोचा था मैंने कल बट मुझे याद नहीं आ रहा था, अगर मैं कल ही लिख लेती वो टास्क तो मुझे अभी याद रहता, मैं स्किप हो गया मेरे दिमाग से कि मैंने क्या और सोचा था कि मुझे आज करना है. तो अब आज से मैं क्या करूँगी, जैसे कल के लिए मुझे कोई टास्क पहले से याद आएगा तो मैं कहीं नोट डाउन कर लूँगी उसको, और ताकि ये बनाते टाइम मुझे ईजी रहे. तो अब मैंने ये पूरा बना लिया है, अब मैं कोशिश करूँगी कि ऑन टाइम ये सारी चीज़ें करूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो तुलसी जी हैं, विक्की उसको इस बॉक्स में होल कर रहा है. तो एक्चुअली हमारी जो तुलसी जी है वो हमेशा ओवर वाटरिंग की वजह से हमेशा ख़राब हो जाती हैं. तो हम लोग जैसे इसमें होल दिए हुए हैं ना, यहाँ पर एंड नीचे, तो इसलिए हमने एक डब्बा लिया है, इस तरह का प्लास्टिक का डब्बा है वो, और पुराना सा है. तो इसमें हम थोड़े ज़्यादा होल करके देखेंगे कि शायद इस टेक्निक से अच्छी ग्रो हो जाए तुलसी जी. तो इसलिए ये सब हो रहा है तामझाम. तो अभी मैं ये प्लांट्स वाला काम कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे जो नेट लगी हुई थी, नेट विंडोज़, वो मैंने निकाल के यहाँ रख दी है, क्योंकि अभी आप देखो ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं प्लांट्स, मतलब क्लटर्ड बहुत दिख रहा है, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है. तो इन सबको मैं, जो छोटे 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 प्लांटर्स हैं उन सबको हटाने वाली हूँ, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न आएगा, ये और घने होंगे और यहाँ पर बहुत फिर छिपकली विपकली कीड़े मकोड़े आने का डर रहेगा. इसलिए मैं इनको थोड़ा क्लियर्ड वे में सब हैंगिंग में लगा दूंगी, नीचे जो जगह है वो थोड़ी क्लीन रखने वाली हूँ. समर्स में मुझे ये मैंने पूरा भर दिया था और अभी क्योंकि रेनी सीजन आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा कम कर रही हूँ. तो पाम ट्री दिख रहा है ना, इसको चाइनीज पाम कहते हैं. तो विक्की मुझे बोल रहा है ये चाइनीज चीज़ें अपन बायकॉट कर रहे हैं, तो ये चाइनीज प्लांट हटा दो. और तो मैं नहीं नहीं तो मैं विक्की को बोल रही थी, जैसे बहुत सारे ना मैंने एक मीम देखा था जो ठेले थे चाइनीज फूड वाले, अभी उन लोगों ने भाई लोगों का दिमाग का कोई भरोसा नहीं है आकर के तोड़फोड़ मचा दे, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए चाइनीज में से सी हटा दिया, मतलब हाइनीज फूड. तो मेरे को मेरी फ्रेंड लोगों ने शेयर किया था, तो मैं विक्की को भी यही बोल रही हूँ कि उस फार्म में से आप चाइनीज फार्म में से आप सी हटा दो, वो हाइनीज फार्म है. हे गाइस, तो मैं अभी अपने टाइम से, जो मेरा स्केड्यूल टाइम था उसमें काफ़ी लेट चल रही हूँ, क्योंकि जो प्लांट्स वाला प्रोसेस हुआ उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया. बट नेवर माइंड, मेरा लंच हो चुका है बट अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है, मुझे शावर लेना चाहिए था 12:30 पे, बट अब मैं सोच रही हूँ लगे हाथ मैं फटाफट से इसको सैनिटाइज करती हूँ, उसको सॉर्टिंग कर लेती हूँ, ताकि मेरा वो शाम का जो 1 घंटा है वो बच जाएगा और यहाँ पर वो टाइम, मतलब इन शॉर्ट सारी चीज़ें मैं चेक करूंगी कि सब कुछ मेरा हो जाए, टिक मार्क हो जाए. अब टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है वो अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट मेरे को टू डू है कि कौन सा काम मुझे कब करना है एंड ऑल दैट. तो मैं फटाफट से इसको सैनिटाइज करती हूँ, स्प्रे है मेरे पास, मैं स्प्रे करती जाऊंगी और इसको रखती जाऊंगी. तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं एंड राइट नाउ आई एम हेयर. मैं ये काम करूँगी क्योंकि मैंने ये दोनों काम पहले ही कर दिए हैं, और मैंने ये ग्रोसरीज वाला काम जो 5 बजे का था वो मैंने पहले कर दिया. तो अब मैं ये दो काम करूँगी, जो कि है वीडियो बनाना है एक तो मुझे, और एक मुझे ये दूसरा काम करना है. तो ये मैं आधे घंटे में कम्प्लीट करके वीडियो बनाने के लिए बैठने वाली हूँ.
गाइस, तो अभी मैं करने वाली हूँ योगा। हम लोग अभी आ गए बाहर से, तो एक्चुअली जिस काम के लिए मैं गई थी वो सारी शॉप्स बंद हो चुकी हैं। हमको लगा था शायद ओपन होगी बट वो बंद हो चुकी है। यहाँ पर मुंबई में अभी इवन आउट वाला चलता है कुछ कुछ, तो मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है कि कब क्या मिलता है। तो कल अब सुबह जा कर के देखेंगे, शॉप खुली होगी तो वेल एंड गुड है, नहीं होगी तो फिर कल उसके नेक्स्ट डे जा कर के देखेंगे। एंड अभी मैं योगा करने वाली हूँ, ये खोल लिया है। अभी मैं इसके अंदर एसेंशियल ऑयल डालूंगी और बिल्कुल डिम लाइट में, इस तरह से लाइट्स है तो मैं सिर्फ ये वाली लाइट जला करके यहाँ पर योगा करने वाली हूँ। तो अभी मेरा जो योगा है वो हो चुका है और अब मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ। तब तक विक्की योगा कर रहा है। बड़े दिनों के बाद कोई गेस्ट अपीयरेंस दिया है किसी पिंपल ने, तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, मे बी कुछ अंदर गड़बड़ी हुई हो। तो मैं फटाक से शावर लेती हूँ और शावर लेने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं डिनर की प्रेपरेशन कर रही हूँ। इसके लिए मैंने अनियंस लिया है चॉप करने के लिए, एंड साथ ही साथ इसी में मैंने टमाटो भी मिला दिया था जिसकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई, एंड साथ में मैंने ग्रीन चिलीज़ मिला दी थी और इन तीनों का मिला करके काफ़ी बारीक इनको चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है जिसमें लाल मिर्ची, भुना जीरा, उसके बाद धना पाउडर और यहाँ पर मैंने चाट मसाला यूज़ किया है क्योंकि मुझे चटपटा पसंद है ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पर चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर काला नमक ऐड किया है और अब इन पूरे मसाले के पेस्ट को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ ब्लैक चना चाट, जो कि बहुत हेल्दी होती है, बहुत फटाक से बन जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ पर इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज़ मैंने जब इंस्टाग्राम पे डाला था तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आप कैसे बनाते हो। तो इस मसाले में आप बिल्कुल सिंपल भी तरीके से बना सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी ब्लैक चने चाट को बॉईल कर लिया था पहले से ही, और बॉईल करने के बाद उसमें कुकर की सीटी भी लगा दी थी 3-4। तो यहाँ पर मैंने इस मसाले में पानी ऐड किया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी पानी में। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए और उसके बाद ये जो मसाला है वो डाल दीजिए। हार्डली 20-30 सेकेंड्स में ही ये मसाला पक जाता है, ज़्यादा हमको जलाना नहीं है। और जैसे ही मसाला पक जाए आपका, आपको तुरंत आपके जो ब्लैक चना है वो इसके अंदर डालना है। एंड जैसे ही मैंने ये थोड़ा सा जब इसके पूरे में कोटिंग कर दी, इसको मिला दिया है, आफ्टर 20-30 सेकेंड्स बाद मैंने इसमें बॉयल पोटैटो जो है वो मिला दिया था। मैंने पोटैटो भी बॉयल किया था, बहुत टेस्टी लगता है पोटैटो बॉयल करके इसमें मिलाने से। तो पोटैटो को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस एंड साथ ही साथ इमली की चटनी भी डाली थी इसमें, बहुत थोड़ी सी डाली थी, एंड तभी इसका कलर एकदम ब्राउन हो गया है। और वो जो हमने पेस्ट बनाया था, मतलब चॉपिंग किया था, एकदम बारीक चॉपिंग किया था टमाटो और अनियंस एंड साथ ही साथ ग्रीन चिलीज़ का, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इसके ऊपर मैं आलू भुजिया डालूंगी, आप चाहें तो खट्टेपन के लिए इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको ट्राई ज़रूर करना, 15 मिनट्स में बन जाती है ये। हे गाइस, तो हम लोग का जो कार्ड है वो रेडी है और थोड़ा सा तीखा हो गया है, बट लग बहुत टेस्टी रहा है। एंड मैं डिनर करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ।